सर गति तो वो भी जानबूझकर सरकार ऐसे गुंडों को पाल पोस रही है। ऐसे लोगों का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर। गुड, अभी अभी ट्रेनिंग खत्म करके आए हो क्या? यस सर, शार्प शूटर सर। ड्रिंक्स लोगे क्या? नहीं सर, यूनिफॉर्म में हूँ। तो दूसरे कपड़े पहन लो। सर मैं पीता नहीं हूँ सर। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? इस समाज को ऐसे राबड़ी लोगों से मुक्त करने के लिए तुमने फाइल बनाई है क्या? सर सारे गुंडों का एनकाउंटर करके सिटी क्लीन करना चाहता हूँ। तो आशीर्वाद दो क्या? सर जस्ट जोकिंग। देखो हम जिन्हें रावड़ी या अंडरवर्ल्ड डॉन कहते हैं उनकी वजह से कम आम आदमी को तो कोई तकलीफ होती ही नहीं है। तकलीफ होती है टेररिस्ट से, रेपिस्ट से, चोरों से, लुटेरों से और ऐसे लोगों से। आपकी बात मुझे अजीब लग रही है सर। लेकिन सच है। देखो तेजस्वी, तीन तरह के रावड़ी होते हैं। पहले वो हैं जो कहते हैं कि उन्होंने सब छोड़ दिया लेकिन ट्रस्ट, संस्था, पत्रिका और राजनीति चलाते हैं। दूसरे वो जो जेल में रहकर अपना काम ऑपरेट करते हैं। और तीसरे 18-20 साल की उम्र के होते हैं, जवान लड़के। ये फ्रीली एंट्री लेते हैं किसी बड़े रावड़ी को मारने के लिए और ऐसे लोग डेंजर होते हैं। देखो तेजस्वी, सिर्फ लिस्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, उनके बारे में जानना जरूरी है। करण उर्फ गुटकापुड़ी, जिनक्या उर्फ कैंपाकोला, गणेश, मंजा, खुजली उर्फ सतीश, प्रसन्ना, काली उर्फ सुंदर, ये सभी लोग एक जमाने में एक ही साथ थे। सब एक ही एरिया वाले हैं। इन सब में खासकर मैं तुम्हें करण उर्फ गुटकापुड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि इसका नाम गुटकापुड़ी कैसे पड़ा? उसकी एक बूढ़ी दादी थी, वो गुटकापुड़ी का धंधा करती थी और वो कैंसर से एक दिन मर गई। उसके बाद करण ने गुटकापुड़ी की दुकान बंद कर दी। बेटा गुटके की पुड़िया नहीं मिलेगा, जाओ। अरे गुटके अरे नहीं मिलेगा देना बेटा। गुटका खाने से कैंसर होता है। मेरी दादी ऊपर चली गई थी, देखा नहीं? अरे खाने वाली चीजों को तूने कचरे में फेंक दिया। अम्मा काली एक सेठ है, गुटकापुड़ी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो सब बाद में। काली के पिता रेणुका जी समाज में एक इज्जतदार आदमी है। उनके ढेर सारे बिजनेस चल रहे हैं, उसमें से फिल्म प्रोडक्शन भी एक है। 3 साल पहले जब यहाँ इलेक्शन हुआ था तब काली के पिता रेणुका जी उसमें खड़े हुए थे। उनके विरोध में उसी एरिया के शंकर जी भी खड़े हुए थे। रेणुका जी और शंकर जी की आपस में दुश्मनी चल रही। शंकर जी को लगा कि रेणुका जी को इस इलेक्शन में हराना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने उनका खून करवाने की कोशिश की। उस एक्सीडेंट में उनकी कमर के नीचे की नस डैमेज होने से उनके दोनों पैर पैरालाइज हो गए और शंकर जी धोखे से वो इलेक्शन जीत गए। रेणुका जी के दोनों पैर जाने की वजह शंकर जी की साजिश का हिस्सा है, ये पता चलने के बाद काली गुटकापुड़ी को अपने साथ ले गया और उनके घर के सामने लफड़ा किया। hey, तो चुप कर, ये बताओ तुमने क्या किया? ये शैतान से क्या पूछ रहे हैं? ज्यादा उछलो मत, अच्छा नहीं होगा। तुमने जो गलती की है उसे मान लो। शंकर डेढ़ शाला और उसकी गुटकापुड़ी से भी दुश्मनी हो गई। उसी एरिया में मंजा नाम का एक गुंडा है। करण को मारने के लिए शंकर जी ने उसे सुपारी दी। दादागिरी दिखा रहा है, ज्यादा उड़ मत। उस दिन सालाना जलसा था। क्या उखाड़ेगा बे, क्या उखाड़ेगा? अरे मां मर गया। उस दिन के हादसे में करण की कोई गलती नहीं थी। और आगे डबल मर्डर होने वाला है, ये बात भी करण को नहीं पता थी। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी। मंजा का बड़ा भाई खुजली सतीश अपने भाई पर हमला हुआ ये सुनकर सीधा जाकर करण से भिड़ गया। करण ने उसे लाख समझाने की कोशिश की कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सतीश ने एक नहीं सुनी। उसी झगड़े में करण और सतीश के बीच जबरदस्त मारामारी हुई। कभी प्यासे को पानी आया नहीं,
मेरा साथ छोड़ दे और शादी मेरा साथ छोड़ दूं। मैं शादी कर लूंगा ना। अच्छा ठीक है, सब रहने दो ना, छोड़ो ना भैया, मुझे पैसे चाहिए। करन खाओगी? जरा बाहर आना। ठीक है, आ रहा हूँ। जरा बाहर आना, खा लो। हम लोग सब एक ही एरिया के हैं, लफड़ा नहीं चाहिए, कॉम्प्रोमाइज कर लो। ये समझाकर काली सबको रेणुका जी के पास ले गया। मेरी बात सुन सतीश, सारी गलती तेरे छोटे की है, बात को आगे मत बढ़ा। हम लोग सब एक ही एरिया के हैं, चलो दोस्ती कर लो। लेकिन भाई वो मेरी बात मान ले। खुजली सतीश कॉम्प्रोमाइज के लिए मान गया था, लेकिन ये बात शंकर जी को और उनके साले ठक्कर विक्की को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे करना यार, तुझे जो भी करना है कर, मैं हूं ना यहाँ। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना यार। सुपर, ये लो। भाई की मौत के बाद मंजा भतीजे को लेकर गांव चला गया। काले की जान करण ने बचाई ये पता चलने के बाद वो उनका खास आदमी बन गया। रेणुका जी उस पर भरोसा करने। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, जैसे मेरे लिए मेरा बेटा है वैसे ही तुम भी हो, अब डरने की जरूरत नहीं। शुक्रिया। थैंक्स। डबल मर्डर केस में करण को अरेस्ट कर लिया गया। गवाहों की कमी की वजह से केस दबा दिया गया और करण रिलीज हो गया। चल ठीक है। चाय है क्या करण? चाय पार्टी के लिए। उसके बाद करण के नाम से एक रावड़ी शीप फॉर्म तैयार हुआ। उसे पता ही नहीं चल पाया कि रातों रात रावड़ी फील्ड में उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। से राजनेताओं ने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन करण साफ इनकार कर गया। एक साल के बाद गांव से लौटकर मंजा करण से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने शहर आया। प्रसन्ना के घर पर करण जरूर आने वाला है, इसकी खबर मंजा को लग गई थी। मंजा ने ये हाल किया, वो आपको भी मारेगा। मुझे क्या हुआ है भैया? मेरे चेहरे को क्या हुआ है? मुझे आईना दिखाइए ना। डॉक्टर क्या हो सकता है? प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे को पहले जैसा किया जा सकता है, उसके लिए 8 से 10 लाख तक का खर्चा आ सकता है। अब जैसा आप लोग कहें। आप कीजिए डॉक्टर, खर्च की चिंता मत कीजिए, नो प्रॉब्लम।
प्रसन्ना की बीवी की कंप्लेंट पर मैंने मंजा को अरेस्ट कर लिया। मेरे अपनों को मेरी वजह से इतनी तकलीफ पहुंच रही है ये सोचकर करण ने फील्ड छोड़ने का फैसला कर लिया। तूने जो सोचा है सही सोचा है, लेकिन तू छोड़ेगा तो क्या छोड़ेगा? तेरे इस कदम से किसका भला होगा किसका बुरा होगा ये कहा नहीं जा सकता है। तूने जो बीज बोया है वो कब फल फूल कर पेड़ बनकर तुझे फल देगा ऐसी उम्मीद मत रखना। ऐसी सोच से कोई आदर्शवादी नहीं बन जाता है। जानता हूँ सर, एक गुंडे की मौत गुंडागर्दी के रास्ते में ही होती है, लेकिन मैं जी कर दिखाऊंगा सर, चाहे कितना भी दुख सहना पड़े। तो फिर तुम क्या करोगे? कोई संस्था बनाओगे? नहीं। कोई अखबार निकालोगे? राजनीति? नहीं सर। अच्छा होगा शहर छोड़ दो, जिंदा रह पाओगे। नहीं सर, यहीं रहूंगा, एक आम आदमी की तरह जी कर दिखाऊंगा। नहीं कह सकता कि मेरे हाथ से किसी का भला होगा, लेकिन किसी का बुरा नहीं हूं, इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए सर। देखो करण, इस दुनिया में इस संसार को बनाने वाले ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम बनाया है। एक जीव को जिंदा रहने के लिए दूसरे जीव को मारना पड़ता है, लेकिन इंसानियत इससे हटकर है। उस पे हुकूमत करने वाले हुकूमत में जीने वालों को कुछ अधिकार चाहिए, वरना कुछ नहीं हो सकता। कानून का अधिकार, पैसे का अधिकार, ताकत का अधिकार। गुंडागर्दी का रास्ता छोड़कर सोचोगे कि सुकून से जी पाओगे तो जिंदा रह नहीं पाओगे तुम, वक्त बेवक्त मार दिए जाओगे, और ये बात तुम खुद समझ जाओगे। ये पेपर सब बकवास है, ये पकड़ और निकल यहाँ से, वरना बहुत मार खाएगा बता रहा हूँ। मेरा लाखों रुपया बर्बाद हो गया है सबका। निकल जा वरना मारेगा ये। तुम काम के बारे में सोचो। जो होगा देख लेंगे। चल जा यहाँ से। करण, तू अपने गुस्से को काबू में क्यों नहीं रखता? सुन, तुझसे कोई ऊंची आवाज में बात करे मुझसे सहन नहीं होता। अच्छा, ये बड़ा धोखेबाज है, पैसा नहीं देगा इसीलिए ना बोला। अपना पैर खोने के बाद रेणुका जी ने गुस्सा उतारने के लिए शंकर जी के खिलाफ दूसरी बार इलेक्शन में अपने बेटे काली को मैदान में उतारने का फैसला। हाँ, शांत हो जाइए मेरे भाइयों, हमें समय के साथ बदलने का अच्छा मौका मिला है। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं जरूर जीतूंगा। जो सुधरने के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं उन्हें मॉरल सपोर्ट देना ही पड़ता है, और मैंने भी वही काम किया। पिछले 2 साल में उसका किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में नाम नहीं है। इस वक्त वो रेणुका जी के साथ काम कर रहा है और वो खुशहाल है। अरे अर्जुन के, मैं उसे इंग्लिश में जवाब दूंगा, तो मुझसे हिंदी में पूछ। तुझे विश्वास है? रागनी, टोटल ओके, आफ्टर आई विल कम। हाँ ओके, देख लिया ना मेरा रूप? चल मैं तुझे इंग्लिश सिखाता हूँ, मैं पूछूंगा तू जवाब दे। हाँ ठीक है, चल पूछ। पब्लिक जा रही है, वॉकिंग क्राउड। राव जी आए हैं समधी के घर। राव कमिंग, फादर इन लॉ प्लेस। माँ के घर बहन आई है। मदर हाउस, सिस्टर कम। एक गांव की कहानी। वन फर्स्ट स्टोरी। आग में खिला है फूल। सेंटर फायर, कमिंग फ्लावर। बाबर की कहानी, ये अवार्ड फिल्म का नाम ले रहा है। कवरेज स्टोरी। ये सब कहाँ से सीखा? वक्त के साथ सब सीखना पड़ता है, तू भी सीख ले, इट्स वेरी इजी। अरे मेरा छोड़, तूने सीख लिया ना चोरी करके। गाड़ी कैसा चला रहा है? ए गाड़ी तू भी चला रहा, देख के चलाना। तू देख के चला, तेरे बाप की रोड है क्या? अरे प्यारे, ये सब होते रहता है, चल 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 चल। क्या? अरे ज़्यादा रुकना, बताना मोबाइल है क्या? चल दे इधर। अरे भाई जल्दी आना। हाँ लेना। बैरो तेरी समझ में नहीं आएगा। लता अंदर आना। उमा मुझे अर्जेंट बाहर जाना है, मम्मी आए तो ये चाबी दे देना। पर इतनी बारिश में तू कहाँ जा रही है? उसने मुझे अर्जेंट बुलाया है यार। भीगते हुए जाएगी। हाँ। रुक मैं छाता लाती हूँ। अगले हफ्ते मेरे बच्ची उमा की शादी है, तुम्हारी माँ को मैंने बता दिया है, तुम लोग आना जरूर। हाँ ओके आंटी, आपका पैर कैसा है? क्या बताओ बेटा, ठीक ही चल रहा है। ये ले। अरे दवा ली। संतोष से मिलने जा रही है। हाँ यार। अरे उमा, तूने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? मम्मी की जिद की वजह से हाँ कर दी। मम्मी की हालत तो तू जानती है ना। ठीक है मैं चलती हूँ, मैं कहाँ गई ये मम्मी को मत बताना। ध्यान से जाना। ओके बाय। क्या हुआ, वो आ गई क्या? हाँ वो आ गई है, मैं उसे लेके आता हूँ। बेड़ो गाड़ी के टंकी फूल है ना?
हाँ भाई, हम लोग पीछे से फॉलो कर रहे हैं। हाँ ओके। हे करणपुरी, इसे कहाँ तक ढूंढते रहेंगे? इसका क्या काम है? ऐसे दो, उतरना। अरे उतरना। हाँ उतर। हाँ ठीक है, मैं भी आगे उतर जाऊंगा। यही मैसूर सिद्धू है। कौन बे? पहले करणपुरी का दोस्त था। करणपुरी जेल से छुटा है कि नहीं पता नहीं, उसे एक मैसेज भेजने गया। उसका नंबर नहीं है भाई। अब देख कैसा मैसेज भेजता हूँ। सर। ओ करण, आ जाओ बेटा, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। ये है इंस्पेक्टर तेजस्वी, शार्प शूटर है ये, और तुम्हारी भाषा में कहूँ तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। तुम्हारा नाम भी इनके लिस्ट में है। सर आप कहें तो मैं इसे उड़ा दूं। सर ये आप क्या करने की बात तो... नहीं है, आई मीन लिस्ट से तुम्हारा नाम उड़ा देते हैं, तुम्हें नहीं, इनका ये मतलब है। ये लीजिए प्रसाद सर। उधर रख दो। ये रहा इनविटेशन सर, रेणुका जी की तरफ से सामूहिक विवाह हो रहे हैं सर, आपको आना है सर। क्या बात है, तू भी भगवान के दया से प्यार और शादी पर विश्वास करने लग गया है, तू भी अपना घर क्यों नहीं बसा लेता है? सर अभी आपने कहा ना कि एनकाउंटर लिस्ट में मेरा भी नाम है, तो फिर मैं कैसे? क्यों, तुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? फिर से गुंडागर्दी शुरू कर देगा, इस बात का डर है? ये बात नहीं है सर, अभी तक सोचा नहीं इस बारे में। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। सर साम्राज्य पेट में मैसूर सिद्धू का मर्डर हो गया है। ओके सर, ठीक है सर। ओके सर। वो शंकर जी मंजा को जेल से छुड़ाकर सिर्फ 12 घंटे पहले लेके गए, और आते उसने मर्डर कर दिया। किसका मर्डर कर दिया सर? मैसूर सिद्धू का। सर उसे तो मैंने अभी भी ड्रॉप किया था, वो मेरे ही साथ था। वो तेरे साथ था? उसे बोरे में डाल के बांध। सर मैंने मंजा को पार्सल कर दिया। हमारा काम तू क्यों कर रहा है करण? तू सब कुछ छोड़कर सुधर गया ये प्रूव करना चाहता है क्या? मेरा लड़का तुम्हारी लड़की से प्यार करता जी। है, और लड़की पेट से है जी। हाँ सर। और इसके लिए मेरा लड़का जिम्मेदार हाँ। है। शंकर जी का लड़का शादी के लिए तैयार हो गया क्या? शादी क्या डॉक्टर साहब, जवानी में किससे भूल नहीं होती। लेकिन सर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अब तुम्हारी बेटी को क्या करना चाहिए उसे नहीं पता? सर आप ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं। अरे डॉक्टर मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, बेकार में क्यों अपना पोस्टमार्टम करवाना चाहते हो? चुप हो जाओ। चुप। कहा ना चुप हो जाओ, चलो कॉफी पी लो। रोए जा रहा है महाशय, पहले कॉफी पी लीजिए। हाँ पूरा है। ये जिनके ये मंगलसूत्र तेरे गले में बांधेंगे तो कैसा रहेगा? शादी का माहौल है, थोड़ी अच्छी बात करना। खाना है क्या? लिखा खा। अरे नहीं खाना। इधर आ। बोल। 24 जोड़ियां आ चुकी हैं। ये बेचारी अभी अकेली है। ऐसा क्या? किसी अच्छे लड़के को इसकी जोड़ी बना देना,
रुक मैं जरा देख के आता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा है माँ जी, हामी तो उसी ने भरी थी ना, फिक्र क्यों करती है, आ जाएगा ना वो, एक बार फोन तो उठाए, उसे ऐसे थोड़े जाने दूंगा मैं। हाँ। और क्या, देखो बहन वो नहीं आया तो दूसरे लड़के को सेट कर दूंगा, ठीक है? तो मैं ए काली, मैं इन्हें कौन सी भाषा में समझाऊं? जरा हिम्मत रखो यार, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ए जा उसको बुला के ला, जाओ बहन, हम लोग चलो यहाँ पे। कितना डर रहे थे बेकार में, खा डरते रहते। शादी तो मजाक है, जिंदगी उससे भी बड़ी मजाक। पापियों के लिए मजाक है, अच्छों के लिए हकीकत है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है करण, लेकिन मेरे टेंशन का क्या? तुझे क्या टेंशन है? वो लोफर की औलाद अभी तक नहीं आया, बेचारी कितनी दुखी है देख। क्या देख रहा है? दिखने में कितनी अच्छी है, सोच क्या रहा है, तू ही उससे शादी कर लेना, जोड़ी प्यारी लगेगी, देखना। बिल्कुल शांत स्वभाव की है, ओके बोल देना। ए पागल, जाके अपना काम कर। अरे कर लेना यार, एक दुंगा ना तो थोपड़ा खराब हो जाएगा, चल जा। पता नहीं कब तक आएगा, देखो तो। बस बस भाई, हाँ ला इधर ला। हाँ ये रख ले, तो रख ले। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पिताजी की 60वीं सालगिरह पर आप लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए सभी दूल्हे, सभी दुल्हनों और संबंधियों का स्वागत है। पिताजी को आने में थोड़ी देर होगी, इसलिए माफी चाहता हूँ। अरे तब तक आप सबके मनोरंजन के लिए यहाँ के सारे फंटर और सारे खिलाड़ी जिसके गुरु के नाम से ये इलाका कांपता था, वो आपके लिए कार्यक्रम पेश करेंगे जिनका नाम है जीन के। अरे ये क्या बोल रहे हैं? रुकना, तालियां। जिनके साथ बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हैं, मेहरबानी करके स्टेज पर आइए, माय डियर जिनके। मेरे यार, कमान कमान। सभी लोगों, सभी अंकल आंटी को इन्फॉर्मेशन। जी हाँ। लो जी, एक लोफर के पैदा होने का टाइम आ गया। क्या? प्यार से पूरा सुनो जी भैया। अच्छा जी। सेंटर में बकवास करने वाले हट जा। अच्छा बे। पैर में हवाई चप्पल और सर में थोड़े से बाल वाले टकले, अपनी जीप लगा के हट जा, वरना टकला फूटा तो उसका जिम्मेदार हम ना होंगे। ये तुम्हारा मंगलसूत्र, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। एक रह गया था, ये लीजिए। पता नहीं वो कमीना कब आएगा। कराऊंगा, शादी कराऊंगा, आज नहीं तो कल कराऊंगा, जरूर कराऊंगा। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सबका भला हो, आप सब 100 साल जुग जुग जियो। मेरी ये हालत देखकर आप लोग जरा भी चिंता मत करना, आप सब आशीर्वाद दीजिए मेरे इस प्यारे बेटे को, उस माता की कृपा से ये हमेशा आप सबका बहुत ख्याल रखेगा। हमारे इस कार्यक्रम में शंकर जी भी तशरीफ ले आए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। MLA शंकर जी इतने बड़े दिल वाले हैं कि अपने आन बान और रंजिश को भूलकर अपने बेटे की शादी में आ गए। रेणुका जी के जन्मदिन के अवसर पर जो सामूहिक विवाह समारोह हो रहा है उसमें आने की इनकी बहुत इच्छा थी, वो पूरी हो गई। तालियां। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। सर ये लीजिए, अक्षर डालकर इन्हें आशीर्वाद दीजिए। अब इस अवसर पर नव विवाहित वर वधुओं को शंकर जी आशीर्वाद के रूप में दो शब्द कहें, ऐसी मेरी विनती है। ये लीजिए सर माइक। सर आइए सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने ही बेटे की शादी में मैं इतना देर से क्यों आया, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। ट्रैफिक में फंस गया था, माफी चाहता हूँ। अपने बेटे की शादी में ऐसे ही सादगी के साथ करना चाहता था, उस काम को हमारे गुरु समान रेणुका जी ने पूरा करके दिखाया है। बिना किसी लाग लपेट के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार आने वाले इलेक्शन में हमारा काली रेणुका जी का बेटा जरूर जीतेगा। नमस्कार।
रेणुका जी, आशीर्वाद दीजिए। आप भी एक बेटे के पिता हैं, ये मत भूलना। नमस्कार। हे सत्यमूर्ति, उसने कहा तुम्हें भरोसा हो गया कि वो गुंडागर्दी छोड़ चुका है? वो मेरे लड़के को किडनैप करके भिखारियों की तरह शादी करा रहा है, तुम्हारा डिपार्टमेंट तमाशा देख रहा है। यही ड्यूटी निभा रहे हो तुम लोग? सर, आपके लड़के की शादी कोई बाल विवाह नहीं है, वो बालिग है और अपनी मर्जी से चार लोगों के सामने शादी कर रहा है। हम रोकने वाले कौन होते हैं सर? रोको मत, होने दो। तुम गुटका पुड़ी और रेणुका जी कहां तक उड़ते हो, मैं देखता हूं तुम्हें। तुम्हारी माँ कैसी बेटी? कुछ भी ठीक नहीं है आंटी, दो दिन से उनका शुगर भी बढ़ गया है। डायलिसिस चल रहा है ना? सीन सब रेडी है ना? हाँ, बस मैं आ ही रहा हूँ। हनुमंता, कॉफी पीने के बाद तुझमें जान आ गई है, तुम्हारे नाम में गड़बड़ा है। ज्योतिषी ने भी यही बताया सर। बैनर ओके, प्रोड्यूसर रेणुका जी वो भी ओके। तुम्हारे नाम के आगे पीछे कुछ जुड़ना चाहिए था, मैं सोचता हूँ। आगे या पीछे सर? अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे या पीछे कुछ जोड़ दो। तुम फिक्र मत करो, दो ऑप्शन देता हूँ, एक हनुमंता राव, दूसरा हनुमंता विकर, जिनके ये दोनों ठीक नहीं। सर मैं ही कुछ सोच के अच्छा बताता हूँ। ठीक है, मैं फिल्म लाइन में आया था एक्टर बनने के लिए। डायरेक्टर, अपना करणपुरी बहुत अच्छा एक्टर है, हमारी कंपनी की पिछली फिल्म सुपर हिट थी, एक चांस इन्हें भी दो ना। बात नहीं सर, आप ही आ जाओ, कोई ना कोई कैरेक्टर आपको भी दे दूंगा। सीन छोटा हो लेकिन धांसू होना चाहिए, पर्दे पर छा जाना चाहिए, बेकार में इधर उधर खड़े रहने की एक्टिंग नहीं करो। अरे इसे इतना ऑफर आया था ना कि अगर इसने काम किया होता तो 200 फिल्में हो जाती। क्या भाई, सही कहा? अरे यार, नमस्कार भाई। भेड़ो, ये तरह कौन सा अवतार है, सुबह से शाम वाइन शॉप लेके घूम रहा है क्या? अरे मेरे भाई करण, खर्चा पानी दो ना। नमस्ते भाई। तेरी सूरत ले, यहाँ से ले। अरे 50 रुपए और दो ना भाई। बस अब जा। ये ऐसे ही मांगता है, चल 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 चल। जिनका है, जिनका है, हो गया भाई। पता है वो कौन था? एक जमाने का नामी राउडी। सर आप भी कभी राउडी थे ना? मैं था या नहीं मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं। सर पहला शॉट आपका ही है, जाइए जाके शादी का ड्रेस पहन लीजिए। hey, ये छोटा मोटा कैरेक्टर मुझे मत दो यार। सर हमारे फिल्म में आपका ही सीन ट्विस्ट लाता है सर। देखो मेरी पसंद क्या पता है, लात घुसे मारना, टक्कर मारना, वार करना, साथ में डायलॉग भी चाहिए एकदम स्ट्रांग। सब कुछ है सर, हीरो आकर आपकी शादी को रोकने की कोशिश करता है, उसके बाद टक्कर फाइट जैसा आपने बोला था वो सब होता है। टक्कर कैसे मारते मैं बताता हूँ, समझ गए? मैं तैयार होकर आता हूँ। ठीक है, ए मालो इधर आ, ये लीजिए सर, पहन लीजिए। हेलो, चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है, ये लव मैरिज है यार, चेहरे पे थोड़ी हंसी लाओ हंसी। अरे कौन ऐसे जूनियर आर्टिस्ट को यहाँ बिठा देता है, निकालो। अरे संभालो इसे। hey, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम लोग शादी की जगह पर ही क्यों मिलते हैं? शादी से लगाव है क्या? कितनी बार हो चुकी है? सच में मंगलसूत्र मत बांध देना, तीन गांठ तो बिल्कुल मत लगा। ना ना ना, मैं तो मंगलसूत्र बांध के रहूंगा, डायरेक्टर साहब ने कहा है, ऐसे बांधूंगा एकदम आराम से बांधूंगा। तुम एक काम करना, मैं हाथ ऐसे ले जाऊंगा और तुम बांध देना। ठीक है सर। कोई आग तो लगाओ यहाँ पर फेरे की। रेडी? हाँ रेडी सर। सब लोगों ने हाथ में अक्षत लिए हैं क्या? स्टार्ट कैमरा रोलिंग। रेडी 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 एक्शन। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। कट 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 कट, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो यार? ऐसा क्या सर, सॉरी सर, एक बार और लीजिए। चलो जल्दी करो जल्दी करो, इमीडिएट वन मोर कैमरा एक्शन। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। कट कहने तक तुम मेरी तरफ, आपने देखा नहीं इसने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जाने दो सर, एक बार फटाफट फिर से ले लेते हैं। दोबारा आंखें बंद मत करना। रेडी पोजीशन में फोटो लो। रेडी? हाँ रेडी सर। हाँ कैमरा रेडी सर, एक्शन। भगवान सर बांधो या नहीं बांधो? कट 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 कट। अरे मुझे सिर्फ शॉट लेना है मेरे बाप, तुम सिर्फ मंगलसूत्र बांधो। मुझे पहले ही बता दीजिए, गलती किसी ने होती सर। ठीक है, एक बार फिर से ले लो। आता हूँ भाई। अबे क्यों बैंड बजाने पे तुला है मेरे भाई, अबे घूर क्यों रहा है? एक बार ठीक से बांध देना, क्यों नेगेटिव की वोट लगा रहा है? इसमें मेरी क्या गलती? जिनके एक बार हाथ लेके आया तो इतने आंखें बंद कर ली, दूसरे बार लेके आया तो सर देख लिया, अब सीर हुआ कि नहीं मैं कैसे बता सकता हूँ? छोड़, बाहर निकाल देता हूँ, मुझे नहीं आता। मुझे आता है चाकू निकालो और वार शॉट करो। शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ए भाई तू मंत्र पढ़ पढ़। ठीक है ठीक है, रेडी सर रेडी। ओके ओके, जल्दी 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 फोटो फोटो। हां बांधो 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 ठीक से। करेक्ट, कट इट, छोड़ो के। 150 लोगों को लाके 250 बता रहा है, झुंझुना खेलने वाला बच्चा दिखता हूँ मैं। कहा था 250 लोगों को लाने के लिए। ए, जितना लाया उतने का लेना। के? हाँ क्या उधर देखना कौन है? हाँ बोलो। अच्छा सर वो
मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई के लिए थोड़े पैसे। अरे वो दवाई का पैसा मैं कैसे दे सकता हूँ, ये प्रोडक्शन का पैसा है, सबको पेमेंट करना है और तुमने यूनियन का पैसा भी नहीं भरा है। कितना हुआ तुम्हारा? अच्छा हाँ, वो दीपावली के लिए कुछ। दीपावली? दीपावली भी बहुत दूर है, उसे आने में बहुत दिन बाकी है। अरे वो क्या रहा, तुम्हारी माँ को जुबान देती तुम्हारी शादी करवाऊंगा, वो तो मैं कराई दूंगा, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दे सकता, सबको देना है ना। कितना हुआ बता? घबरा मैं तेरी शादी जरूर कराऊंगा, मैंने वादा किया है ना। अब तुम जाओ। क्या भाई, आर्टिस्ट के साथ ड्रेस का भी पैसा ले रहा है क्या? ये लो बेटा, 50 रुपए छुट्टा है तो दे दो। वैसे छोटे मोटे कैरेक्टर भी करती रहो, तुम्हें सीरियल में लगा दूंगा, वहाँ हजारों कमाओगी। मैंने आगे बात भी किया है। एक सर दुखने का बाम दे देना। प्लान कैसा है पता है क्या? मैं ऑटो वही रोकूंगा क्योंकि पब्लिक घेरे रहेगी, तो पब्लिक में से आकर मुझे एक थप्पड़ मारना और फिर उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए उस पर दबाव डालना, उसी ऑटो में उसे लेके चलेंगे। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया था? आओ करण, इनसे मिलो। ये संतोष राव जी हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल। इनके घर के पास एक स्वास्थ्य केंद्र है, तुम्हारे लड़के रात में शराब पीकर वहाँ पर लफड़ा करते हैं। उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि हम गुटखा पूड़ी के लड़के हैं, हमें रोको मत। ऊपर से इन्हें धमकाया भी। कहीं तू अपनी जगह पर किसी और को बिठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? सर मुझे कुछ नहीं पता। सर मेरे लड़के, सर ऐसे लड़कों को तो 2 थप्पड़ मारना था। मारना, काटना, तोड़ना ये तुम लोगों का काम है। मैंने अपना काम कर दिया, कंप्लेंट दे दिया है, आगे ये देखेंगे। सर कंप्लेंट देने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। सर देखिए मिस्टर संतोष राव, आपने कंप्लेंट कर दी है, बाकी हम पे छोड़ दो। करण तुम जा सकते हो। ठीक है सर। सर अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इन गुंडों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सब एक ही जाति के हैं। रामखोर, यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत चर्बी चढ़ गई है, अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझते तुम लोग? तुम्हें ये सब करने के लिए हॉस्पिटल मिला है? बहुत चर्बी चढ़ गई तुम लोगों को। तू भी इधर आ, तुझे बताता हूँ मैं। ये ले, बहुत बहुत बड़ा भाई समझते आप लोग? मेरे नाम का सहारा लेते हो? अंदर कौन है देखता हूँ। क्या करे तुम लोग? मेरा नाम बदनाम करने पर तुम ले हो? जॉब से मार तुम बिजनेस से कमाना छोड़कर आवारा गर्दी करने पर उधर आए हो? 10 मिनट के अंदर ये जगह खाली कर दो और दोबारा यहाँ दिखे तो टांग तोड़ दूंगा। नालायक लोग कहीं के, और तुम्हें इस तरफ क्या दिख रहा है? जल्दी करना। सुना नहीं तुम्हें? जगह खाली करो। हाँ भाई।
जल्दी सुना नहीं। हाँ ठीक है भाई। हेलो, क्यों भीग रही हो? चलो हम ड्रॉप कर देते हैं। किसी अच्छी फैमिली की लगती है यार, चलना। हेलो, तुमसे कह रहा हूँ, आ जाओ। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तुम खड़ी हो जगह और टाइम दोनों ठीक नहीं है। आ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। आ जाओ, अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। आ जाओ अंदर। मुझे गांधीनगर छोड़ देंगे तो चलेगा? इतनी दूर से आती हो तुम? तुम्हारे साथ कोई और नहीं आता क्या? हम लोग यहाँ के नहीं हैं, अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो ज्यादा किसी से पहचान नहीं है। हेलो, कौन सा सीन? कौन है यार? मेरा नंबर किस लिए चाहिए? तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए ये बताओ। मेरा नंबर 98457। सुनो, वहाँ ऊपर एक डायरी निकालो। आप नंबर लिख कर रखते हैं? टेंशन में याद नहीं रहता, इसलिए लिख के रखता हूँ। ये वाला? हाँ यही है। 99। हाँ लिखो, 99 72 7 7 2 7 2। हाँ अब याद आ गया, रहने दो। 666। थैंक्स, मैं चलती हूँ। ठीक है। काले, जरा इधर आना। हाँ, भाई चल, कौन सा घोड़ा लेगा? आजा। सुन, तू खड़ा हो जा। वो शंकर को हराना है, उसे तू हराएगा और हरा के रहेगा। मेरी जान और मेरा वोट सब कुछ तेरे लिए। अरे वो छोड़ना, पहले ये बता कि घोड़ा कौन सा लगेगा। अरे तू चुप करना, हम बात कर रहे हैं। कि तू मेरा फ्रेंड है या नहीं? नहीं, दुश्मन है भाई। है जिनके तुझसे पूछा नहीं, बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है यार? तुझे पापा ने कह दिया है तो क्यों डर रहा है? हम लोग तेरे साथ है कि नहीं जिनके? बिल्कुल सही कहा भाई। जरा इधर देख, बॉडी का वेट भले ही कम हो गया है, लेकिन बात का वेट अभी कम नहीं हुआ है। क्या वो में इसके बात का वेट करवाया है, लेकिन कितना वजन है? लिस्ट चाहे तो इससे पूछ ले, ये खड़ा है। वो क्या है ना जिनके? सर मैं, हाँ मेरा फोन मत काटना, बिल मैं भर दूंगा, कल सुबह जाके भर दूंगा। नहीं सर, मैं वो उमा बोल रही हूँ। उमा बोल रही? ये उमा कौन है? मालूम कौन सी उमा? वो जूनियर आर्टिस्ट जिसे आपने ड्रॉप किया था। क्या बात है मैडम, मेरी गाड़ी में कुछ भूल गई क्या? नहीं सर, कल आपने जहाँ मुझे ड्रॉप किया था वहाँ से जरा आगे आएंगे प्लीज। जरा नहीं, पूरा आ जाऊँगा। काम क्या है बताओ? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है प्लीज सर। इस वक्त ठीक है, मैं आता हूँ। क्या बात है करणपुरी, इतनी रात को भी लोग तुझे याद करने लगे? हाँ करते हैं, रास्ते चलते कोई अजनबी दोस्त बन जाता है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। कुछ चीजों को बांट के खाना चाहिए और कुछ चीजों को अकेले खाना चाहिए। तू अकेला? हेलो, तुम लोग ये डबल मीनिंग बात मत करो। हाँ मैं जाता हूँ। भाई तेरी गाड़ी है भाई, मुझे पता है। तू जा। एक मिनट में माँ को लाती हूँ। ये ले सर। हाँ? एक मिनट। क्या पैसे दे रही हो? रहने दो, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तुमने खाना खाया? सिस्टर ये लीजिए, सिस्टर सब संभालेगी, तुम खाना खा लो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर आके इलाज शुरू करेगा तो वो ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे घर से कुछ लाना है क्या? पानी पी लो, सीट के नीचे रखा है। हाँ बोल, क्या हुआ जिनके?
अरे चुप करना यार, क्या हमेशा उल्टा ही सोचता रहता है तू? तू फोन रखना यार, ठीक है रख। ये छाता आपकी गाड़ी में कैसे आया? वो मेरे लड़कों के पास था, बारिश हो रही थी इसलिए उनसे लेके आ गया। क्यों, क्या हुआ? ये मेरा है। तुम्हारा है? हाँ, उस दिन जोरों से बारिश हो रही थी तो मेरी फ्रेंड लता को दिया था, और पिछले 3 दिनों से वो कहाँ है कुछ पता नहीं है, कहकर गई थी कि संतोष के साथ जा रही है। तुम लोगों ने उस लड़की के साथ क्या किया? संतोष हम लोग का फ्रेंड था सर, वो हमारे इलाके की एक लता नाम की लड़की से प्यार करता था। वो पिछले संडे को उसे अपने साथ लेकर घूमने निकला था, और हमें भी कहा कि चलकर खंडर में घूम के आते हैं। हमें गार्ड के तौर पे बुलाया था सर, हम लोग भी चले गए। उसके साथ हमारा लफड़ा हो गया और ये पटले ने उसको मार डाला सर, संतोष को मार डाला। संतोष जगह पर ही खत्म हो गया सर। उसके बाद उसी जगह पर मेरे दोस्तों ने और मैंने मिलकर उसकी इज्जत लूट ली। फिर हम सब लोग डर गए सर, गाड़ी से पेट्रोल निकालकर हम लोगों ने उन दोनों को वहीं पर जला दिया सर। तुम लोग इसे जानते हो? इसे भी हम लोगों ने मार दिया सर। मेरे पापा हॉस्पिटल में गार्ड थे सर, उनकी मौत हो जाने के बाद मुझे संभालने वाला कोई नहीं था सर, इसलिए मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा। वो लड़की रास्ते में जख्मी पड़ी थी सर, उसे हम लोग उठा लाए और नशे का इंजेक्शन देकर। ये छाता किसका, उसको बुलाओ। ठीक है सर, बुलाता हूँ। एक मिनट, तुमने अपनी फ्रेंड लता के बारे में बताया था ना, वो पुलिस केस बन गया। हाँ? एसीपी साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुम क्यों घबरा रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। देखो अगर तुम नहीं चलोगी तो पुलिस वाले यहाँ आ जाएंगे। टाइम नहीं है, चलो। पर माँ यहाँ अकेली हो जाएगी, उनकी हालत ठीक नहीं। तुम उनकी फिक्र मत करो, जिनके उनका ख्याल रखेगा ठीक है। तुम जाओ मम्मी से कह दो, जाओ। जिनके क्या बात है भाई, तू यही रहना और माँ का ख्याल रखना हॉस्पिटल में। हाँ यार ठीक है, चलो उनका ख्याल रखना। ओके, ख्याल रखना, हम लोग आ जाएंगे। क्या, चलो। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं साथ हूँ ना। ए गौर क्या रहा, नजर नीचे कर। तुम क्यों इतना घबरा रही हो? हाँ, गवाही देने के लिए कोर्ट में ले जा रहे हैं ना। हाँ तो कोर्ट से तुम्हें डर लग रहा है? ये क्या, हर बात पर तुम घबरा जाती हो। ये लोग भी तो कोर्ट में जा रहे हैं, तो फिर इनका क्या हाल होना चाहिए? बहुत ही सीधी हो तुम। कोर्ट देखा है तुमने कभी? फिल्मों में देखा है। बिल्कुल वैसे ही है, और वैसे ही होता है। उमा 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 करके 3 बार बुलाएंगे, तुम्हें कटघरे में आकर खड़ा होना है। भगवद गीता तुम्हारे सामने लाई जाएगी, उस पर हाथ रखकर तुम्हें कसम खाना है कि तुम जो कहोगी सच कहोगी। वो कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई साहब हेलो, हाँ ये रही, मान लो कि ये भगवत गीता है, इस पर हाथ रखो। बच्ची की शादी अभी तक हुई नहीं, घर में फूटी कौड़ी तक नहीं। पैसा यहीं दे दूँ क्या? मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता माँ, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगी। अरे आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं होगा, डॉक्टर से बात करता हूँ। डॉक्टर साहब जी बोलिए, इनकी कंडीशन क्या? हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन दवाई असर नहीं कर रही है, उनकी बेटी को बता दीजिए। जिस लड़के से मेरी बच्ची की शादी होने वाली थी वो मिला क्या? माँ जी उस लड़के का गांव कौन सा है उसने कभी बताया ही नहीं, उसे छोड़िए। ये बताइए, आपको जो हॉस्पिटल लाया, आपको एडमिट किया, दवाई का खर्चा उठा रहा है, वो लड़का अच्छा या बुरा है? मेरी बच्ची की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ, किसी भी तरह तू उसका घर बसा दे बेटा। मुझ पर आप लोगों को विश्वास है ना, मैं किसी के लिए क्या करूँगा, सब ऊपर वाला करता है। माँ जी ये लॉक कैसे हो गया? चलो अपना हाथ लाओ, लाओ अपना हाथ। हाँ ये ऐसे डालकर
हाँ हो गया लॉक। देखो ऐसे रहते हैं कैदी लोग, लॉक हो गया। ठीक है अब निकालो। ठीक है निकालता हूँ, इसमें चाबी लगती है। हेलो भाई साहब, यहाँ देखिए लॉक हो गया है, चाबी दीजिए। अरे नहीं है, लगता है स्टेशन पे भूल गए। स्टेशन में भूल गए? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, लॉक लग गया है। अरे नहीं है यार, अब क्या करेंगे हम फंस गए हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? जल्दी यार अर्जेंट है, मुझे ये आ रही है। अब तुम इधर आओ भाई साहब, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाबी कहाँ है दे दो ना प्लीज। अरे बोला ना पुलिस स्टेशन में भूल गया, फिर क्यों इतना परेशान? कोशिश करो, बहुत जोर से लगी है। अर्जेंट बुलाया है यार, इन दोनों को हथकड़ी किसने पहनाई? सर मेरे हाथ से हथकड़ी लेकर इन्होंने खुद के हाथ में हथकड़ी लगा ली। अब सर मैं इसे बता रहा था कि कोर्ट में क्या होता है और ऐसे में लॉक लग गया। देख क्या रहे हो, खोलो इसे। ठीक है सर खोल देता हूँ। सुनो तुम्हारे पास पेन है? पेन इसमें है। ओहो ये अच्छा है, तुम्हें बताया पेन से बहुत सारी चीजें खुल जाती, पकड़ो इसे ट्राई करके देखते हैं। सर क्या बात है करण? सर ट्राई कर रहा था। क्या ट्राई कर रहे हो? वो ऐसा क्यों कह गए समझ में नहीं आया। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो, खुल जाएगा ना, मैं खोल दूंगा इसे। हाँ जिन रेपिस्ट को तुमने पकड़वाया है उनको तुमने नहीं मैंने पकड़वाया है, ऐसा पेपर वालों ने इसमें लिखा है और तेरे बदले मेरी तारीफ कर दी है। ऐश करना यार, तेरे ही नाम तो हुआ है, तेरा नाम चमकाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हाँ मेरा नाम लाने की कोशिश मत करना, नहीं तो लोग समझेंगे मैं फिर से गुंडा हो गया हूँ। ठीक है ना करण? इधर आना। उमा की माँ कैसी है? वो चली गई क्या? अरे वो नहीं यार, मेरे साथ चलना, आज मैं जीत के रहूंगा। ये हार और तेरा चेहरा देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है, तुझे पता चल जाएगा, तू आना। पहले बता बात क्या है, इसके बाद मैं चलूंगा। अरे बात कुछ भी नहीं है भाई, एक मरने वाली की ख्वाहिश पूरी करनी है, तू मना मत करना मेरे भाई, चलना मेरे साथ, चलना मेरे प्यारे दोस्त। ए जिनके उमा की माँ को तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे कुछ नहीं हुआ, मैटर बाद में बताऊंगा, तू यही रुक है? आता हूँ ये रुकना। मैडम वॉशरूम किधर है? वॉशरूम उधर नीचे है। आप फूलों का हार लेकर किसका इंतजार कर रहे हैं? मुर्दा घर उस तरफ है। नहीं हमारा मुर्दा उधर गया मैम, मैं उसके लौट कर आने का इंतजार कर रहा हूँ, आप जाइए। आ गया मेरा मुर्दा। ए, इसमें तूने कौन सा फोटो लगा रखा है? उसे छोड़, पहले ये बताओ क्या वो क्या है ना, ये फोटो दिखाने के बाद तुझे शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फोटो दिखाकर मैंने सारा प्लान सेट कर दिया है। क्या प्लान सेट कर दिया है? वो क्या ना, तुम दोनों इसके माँ के सामने खड़े होकर फूलों का हार पहना दो, बस इतना ही। अरे ओ लोफर, तुझे कुछ और काम नहीं है क्या? मुझे पता होता तो यहाँ आता ही नहीं, जाके जोर को ढूंढ ला। जा मत, छोड़ पीछे आजा, आजा मेरी बात सुन। ये लो बहन, इसे अपने हाथ में बांधो, ठीक है? क्या बांधने के लिए कह रहे हैं? उमा की माना इसकी शादी जीते जी देखना चाहती हैं, बस उनकी इच्छा के लिए यार, कुछ नहीं करना है, नकली शादी है बिल्कुल, शूटिंग की तरह। हाँ शूटिंग की तरह बिल्कुल। इसकी माँ मर रही तो मर जाने दे, तो मुझे क्यों मार रहा है यार इसके सामने तू? मैडम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, गुस्से में जो मुँह में आता मैं बक देता हूँ, आई एम रियली सॉरी। इसने कहा और तुम मंगलसूत्र पहनने भी लगी? हाँ ए जिनके तू भाड़ में जा, मैं चला। करम करम करम, टाइम नहीं है यार, करम करम। नहीं छोड़ मुझे। नमस्ते। समय बीत रहा है, एक दूसरे को हार पहना दो, चलो पहनाओ पहनाओ जल्दी। मंगल सूत्र भी इसके सामने बांध देते तो और भी अच्छा होता। हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं, शादी के लिए नहीं, इसलिए मैंने
इनकी शादी मंदिर में पहले से करवा दी है। देखिए मंगलसूत्र बना है ना, आप भी देखिए 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 अच्छे से इस फोटो को बड़ा करवा के फ्रेम में करवा दूंगा। नमस्ते करो, आशीर्वाद ले लो। माँ जी का पैर इधर है, माँ जी आपका पैर छू रहा है, आशीर्वाद दीजिए। बहन तुम भी आ, माँ जी का एक ही पैर है, टेंशन मत लो, जाना बुला रही तुझे। बेटा मेरी बच्ची बिल्कुल अकेली है, मेरी बच्ची के लिए तुम ही भगवान हो, तुम्हारा जोड़ा हमेशा सलामत रहे। ट्यूबलाइट की तरह अब ये भी जाने वाली है, थोड़ी सेवा कर ले। अगले जन्म में मैं तेरी बेटी बनकर ये कर्ज चुकाऊंगी बेटी। इन्हें क्या हुआ, सेंटिमेंटल बातें कर रही है? सीरियस इफेक्ट है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे खाने पीने के लिए कुछ है तो दो ना। तेरे अलावा तीन लोग और लगेंगे, मैं लेकर आता हूँ। तू रुक, मैं बताता हूँ। तू टेंशन मत ले यार, बूढ़ों की सेवा करने से पुण्य मिलता है, तू सेवा कर, आता हूँ। मेरी बच्ची को अच्छी तरह से संभाल। आप लेटे रहिए, आपको आराम की जरूरत है, मैं अभी आता हूँ। तुझे तो मैं, तुमने मुझे क्या बलि का बकरा समझ रखा है? तू बड़ा लकी है यार, तेरी सास फिर से जी उठी। बकवास बंद कर अपनी। अच्छा क्या और बुरा क्या मैं नहीं जानता, मेरी समझ से बाहर है। देख मेरा दिल कैसे कांप रहा है, ये तूने क्या किया? अरे यार दिया, बुझने से पहले भड़बड़ाता बहुत है, तू टेंशन क्यों लेता है यार? तूने तो मेरी जिंदगी। थैंक यू। हनीमून पे कब जाएगा? तेरा तो मैं गाला घोट दूंगा। फ्री में बीवी मिल गई, सास भी जी उठी, टेंशन क्यों लेता? ये क्या है, तुम हर वक्त शादी की जगह क्यों मिलती हो? शादी से बहुत लगाव है क्या? सच में मंगलसूत्र मत बांधना, और तीन कार्ड तो बिल्कुल नहीं। मैं तो मंगलसूत्र बांध के रहूंगा। मन मेरे मन की सुन, ख्वाब सतरंगे बुन, रात की आँख से कुछ हसी तारे चुन। मन मेरे मन नीचे आ जाओ, चल के कॉफी पीते हैं। अरे मैं तुम्हें कॉफी के लिए बोला हूँ, तुम चप्पल दिखा रही हो। अरे नहीं नहीं, अब मैं आ रही हूँ, रुको। ये लो खा लो माली। तू सपनों से भरने जहाँ, जन्नत सदू कर ले जहाँ, प्रीत की डोर को पिया से जो। मैं बस अभी मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। क्या हुआ, क्या बात? नमस्ते सर। आइए आइए आइए, ये जब भी आए इन्हें आने देना। ए, अपना मंगलसूत्र तो पहन लो। थैंक यू। मैं हेल्प करूं क्या? लेने दो। ओके ओके। ये क्या, डॉक्टर साहब नहीं आए थे क्या? आए थे, देखकर चले गए। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, डॉक्टर होने के नाते हमसे जो बन पड़ा वो हमने किया, कोई फायदा नहीं, आप पेशेंट को घर ले जाइए। पिला दे बेटी, पिला देना। आप सुनो, ये लो, लो पिलाओ पिलाओ। ये लीजिए, तुम भी पिलाओ बेटा। मैं पिलाओ, मैं पिलाऊं? हाँ।
करण की वजह से अंदर आया। ये तेरे लड़के हैं? मैं भी उसकी वजह से अंदर हूँ, बाहर निकलते हिसाब चुकाना है। मेरे को भी हिसाब चुकाने का है, उसे छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार वो हाथ लग जाए। ये कौन है पागल की औलाद? बटलिया नाम है, अपना ही लड़का है। ए, मैं तुझे चरसी गर्दोला दिख रहा हूँ क्या? चलेगा आज तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। छोड़ इसे यार। मेरी वाली एक है ना, उसके सिर्फ दादी बची है, इसलिए हफ्ते में एक बार जाकर उसे मुंह दिखाना होता। इट्स ओके। अरे यार ये ये शंकर जी का धंधा है ना, देखा कैसे कैसे गंदे काम करते हैं वो। तू मुझे ऐसी जगह लेकर क्यों आया? अरे तूने शादी कर ली है ना, तो फर्स्ट नाइट के पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इज्जत पर हमला? नहीं नहीं नहीं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। रेस्ट नहीं करेंगे? सॉरी, दो पेक पीने के बाद ही मुझे नींद आ जाती है। तू भी ना। कैसी हो तुम? आइए 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 ना। लीजिए, बस यही आ गया, बैठिए। अरे आराम से नीचे बैठकर खाओ ना बेटा। अरे नहीं, आप बैठिए ना। दादी आप भी ना, आज शूटिंग पर नहीं गई क्या? अरे क्या नहीं, बेटा आज तुम भी बीवी से तुम आप आओ बैठिए, क्या लगा रखा है, उसे उमा कर बुलाओ। हम नए नए हैं ना दादी, बाद में नाम से बुलाऊंगा। बाद में क्यों बुलाओगे, अभी नहीं बुला सकते? बेटा ये तेरी घरवाली है। अरे दादी आप छुट्टी नहीं रह सकती, उन्हें खाने तो दीजिए। ये सब क्या, हम लोग नाटक कर रहे हैं ये बता सकती हो ना? मैंने कोशिश तो की थी पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसमें डरने वाली कौन सी बात है, अब ज्यादा दिन तक मैं ये नाटक नहीं कर सकता। तो फिर आप ही बता दीजिए। जिसने नाटक बनाया ना, मैं उसी को लेकर आता हूँ, वो ही सॉल्व करेगा इसे, ये जरूरी है। कब तक आएंगे? तुम खाना अच्छा बनाती हो। थैंक्स। चलो दादी माँ। कौन है? उमा आइए 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 ना। पहले दाहिना पैर रखना। बहन जरा मुर्गी का सालन देना। किस्मत वाले हो, ऐसा सुना था, देखा नहीं था, आज देख भी लिया। अरे क्या पी रहे हो? जुकाम हो गया, ऐसे डॉक्टर ने ब्रांडी पीने को कहा है। दादी लेना यार, दो पैक पीते ही गर्मी आ जाएगी, फिर तुम लोग की सारी प्रॉब्लम आज ही सॉल्व कर दूंगा। उन्हें बताना कि ये सब नाटक है। हाँ। चल बताना दादी, स्कोर क्या हुआ? 184 बना लिया यार, ये 20-20 मैच भी ना। बात क्यों नहीं बता रहा है? अरे इतनी जल्दी क्या है, तू भी ना यार। बहुत टेस्टी है ना, बहुत टेस्टी है। बहन तुम इसी तरह से बनाती रहो और ये टॉनिक पीता रहे, फिर जिंदगी भर खुश रहो तुम दोनों। अब बहुत टेस्टी है, सुपर है यार। और भाई तो घेना। ये कौन सी हिंदी है भाई? पता नहीं कौन सी है, हमारी भाषा में इसे मराठी कहते हैं। अरे आप बड़ों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, समझा क्या? पाहिजे आजी, पाहिजे पाहिजे। तुझे जरा भी लाज शर्म जैसा है कि नहीं? छे, ना पी रहा था ना मस्ती कर रहा था, ये भी कोई जिंदगी है? सच्चाई को जुबान पर लाने के लिए हम लोगों ने वो दादी महाना बीच में उसने प्रॉब्लम कर दी। क्या किया? आप खाना खाकर यहीं पर सो जाइए, वरना दादी को शक हो जाएगा ना। लगता है तेरी जिंदगी का करंट जाने वाला है। क्या कहा, जाने वाला है, चला गया। अंधेरा अंधेरा है, बाहर चलें क्या? ये अंधेरी रात में तुम मुझे बाहर क्यों लाई हो? तुमने समंदर देखा है क्या? टीवी में नहीं, सचमुच में देखा है क्या? उसकी लहरें, हम जितनी दूर रहेंगे ना तब भी उसकी लहरें वहाँ से हमें ऐसी आती है। और लाइट आ गई,
मैं चलता हूँ। आप दादी से कुछ कहना चाहते थे ना? वो लाइट आ गई है ना, वो दादी सो रही होगी, क्यों उन्हें तकलीफ दो है ना। बाय। स्टार्ट नहीं हो रही? हाँ नहीं। ठीक, लाओ मैं पकड़ती हूँ। यहाँ दिखाओ ना, यहाँ यहाँ, सॉरी जरा यहाँ दिखाओ ना, यहाँ यहाँ पर थोड़ा ऊपर, यहाँ नीचे। अरे मेरे यार, अब मुझे तुझ पर शक हो रहा है। मुझे लगता है तू जानबूझकर उसके घर बार बार जा रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं यार, मैं जिनके को बुला के सारी बातें तेरे सामने क्लियर कर देता हूँ। आज मैं जाके फिनिश कर दूंगा। तू अपने दिल का दरवाजा खोल और खुद झांक कर देख ले। जरा एक मिनट इधर आओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लगता है मेरी किस्मत फूट गई है। बार बार बोलता है दादी को बता दूं। बता दूं क्या? नहीं। तुम मुझे मना कर देती हो, फंस मैं गया हूँ बीच में। शादी के नाम से ही चिढ़ते हैं वो। उसे पाना है तो एक बात याद रखो तुम, कोई तिकड़म चलाना पड़ेगा। हैप्पी मैरिड लाइफ। अच्छा। हाँ यार, लड़की ने माँ को खोई दिया, अब दादी भी कुछ दिन की मेहमान है। अच्छा। हाँ यार, डॉक्टर ने उनका टाइम भी फिक्स कर दिया है। अच्छा। हाँ यार, बदन सफेद हो गया है, खून भी सूख गया। मेरे दिल में एक बात है, बताऊँ क्या भाई? जिनके है बोलो भाई। अचानक दादी को कुछ हो गया तो बेचारी अकेली क्या करेगी? तेरा मूड नहीं बना है, तू एक पैग और लगा ले। जिनके ओमा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे उसकी हेयर स्टाइल पसंद नहीं है। और वैसे वो मुझे पसंद तो है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी पसंद नहीं भी है। क्यों, क्या हुआ? जाने से पहले नहा तो लीजिए। नहीं कोई बात नहीं। तो फिर रुकिए, मैं एक कॉफी लाती हूँ। अरे गाड़ी की चाबी तो यहाँ है। हाँ आप फेंक दो। बाय बाय। हम लोग छोटे बच्चों के साथ बाप जैसा बर्ताव करते हैं, लगता है तू सच में बाप बनने वाला यार। मुझसे ऐसी कोई भूल नहीं हुई यार। भूल नहीं, अपराध। बहुत सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कल रात को क्या हुआ था सच में। ओ भुलक्कर, तूने बाउंड्री तोड़ी, अंदर घुसा, पेट भर खाया पिया, डकार लिया और चुपचाप बाहर भी आ गया और बोल रहा कि कुछ भी नहीं किया। मेरे बाप, तरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू तरबूजे पे कटेगा, तरबूजा बेकार की बात करके मुझे बहका मत, ताली दोनों हाथ से बजती है। आवाज तो आई ना, ऐसी कौन सी आवाज आई कि तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? भाई अब शुरू होगी उल्टी, फिर 9 महीने बाद उसका सबूत। कल दिन कौन सा था? शुक्रवार था। हाँ? पक्का बेटा ही होगा। ऐसा कैसे बेटा हो जाएगा? शुक्रवार के दिन मिलन होने से बेटा ही पैदा होता है, ऐसा शास्त्र के 18वें अध्याय में लिखा हुआ है। चल छोड़, फेंके मत, लिखने वाले तो बहुत कुछ लिख गए, वैसे लिखने वाले आजकल की दुनिया में भी बहुत हैं, जो होगा वक्त ही बताएगा। माँ कसम यार, तू मेरी बात मान, तेरी तरह एक दोस्त और भी था, वो भी यही कह रहा था यार, उसे जुड़वा बैठे हुए, फिर मोहल्ले वालों ने उसकी शादी कराई। अच्छा, अच्छा, ये बता तू मेरा दोस्त है दुश्मन? तू अपने दिल पे हाथ रख के पूछ, कल तूने कुछ नहीं किया? लेकिन मुझे तो कुछ और ही महसूस हो रहा है, जैसे पहली बार नाग ने फन खोला हो, पहली बार कोई चिड़िया उड़ रही हो, पहली बार हिरन का कोई जानवर शिकार कर रहा है। क्या भाई, लड़की के बारे में बात कर रहा है, बीच में नाग कहाँ से आ गया? मतलब तेरे दिल में प्यार का अंकुर फूट चुका है, अब अपनी जिंदगी के बारे में सोच। हाँ?
उमा ये क्या है? आप ऐसे इंसान है, मुझे पता नहीं था। सुनो तो वो मैं मन बांधो कच्ची सी डोर अनमोल दिल तो काहे गुमसुम सा है कुछ वो कह दिया दिल में है जो तेरे वो बोल काहे तू करे यूं ठिठोल। क्या बात, तू भी भगवान के दया से प्यार और शादी पर विश्वास करने लग गया है। तू भी अपना घर क्यों नहीं बसा लेता है? कोई अच्छी लड़की ढूंढ कर शादी कर लेना, कब तक अकेला रहेगा? बेचारी का भाई चला गया, अब इसका कौन सहारा है? जो गुंडे की जिंदगी जीते वो गुंडे की मौत ही मरते हैं, लेकिन मैं जी कर दिखाऊंगा। सर ये क्यों उतार रही हो? गले में रहने से सच लगने लगता है। ये लो। मेरे लिए? नहीं, अपनी दादी के लिए पहन लो। पहन लो। मेरी चप्पल टूट गई, आपको कैसे पता? उस दिन तुमने चप्पल दिखा था ना, तो उसमें पिन लगा हुआ देखा था मैंने। मन मेरे मन की सुन ख्वाब सतरंगे रात की आँख से कुछ हसी दार चुन तू सपनों से आ भर ले जहाँ जन्नत सदू कर ले जहाँ प्रीत की डोर को पिया से जोड़ दो रोशन बना लो दिल को प्रीत में पिया की तू डोर रासे दिल तो अब तू खो। जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। आपकी तरफ से सारे लोग आ गए? सिर्फ एक का आना बाकी है। कौन? वो हथकड़ी वाले साहब? हाँ वही। शादी करके हनीमून पे जाने के बजाय तुम इसे सीधे पुलिस स्टेशन ले आए? सर वो चलो अच्छा हुआ शादी कर ली तुमने, अब अच्छी जिंदगी जीना। कहाँ तक पढ़ी हो बेटा? पीयूसी सर। हीरो, उसे बोलने दे। ग्रेजुएट हूँ। आगे पढ़ना है कि नहीं? ये कौन है तुम जानती हो ना? सर सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। अरे कोई है? यस सर। दो चाय लेकर आओ। जूस या चाय? चाय पियोगी या जूस? दोनों लेकर आओ। ओके सर। इसका मतलब तुम्हारी पूरी हिस्ट्री जानने के बाद भी ये तुमसे शादी करने को राजी हो गई? सर मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। ओ हाँ, कितना बड़ा कलेक्ट्री का काम करते थे जो रिजाइन करके छोड़ दिया, मानना पड़ेगा। अच्छी बात है, सुधर गए। अब जल्दी से बच्चे पैदा कर लो। इसका नाम क्या है? उमा सर। उमा। देखो बेटी उमा, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, आज के बाद इसे तुम्हें संभालना है। उमा ये मेरे लिए सिर्फ सर नहीं है, जब तक हफ्ते में एक बार इनसे नहीं मिलूं मेरा दिल नहीं मानता। अगली बार अगर तुम्हें मुझसे मिलना होगा तो तुम्हें संडूर आना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? एमएलए शंकर की मेहरबानी है, उसने मेरा ट्रांसफर संडूर करवा दिया है। अब मेरी जगह यहाँ जो भी आएंगे पता नहीं वो कैसे होंगे, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। अगर इसने फिर से कोई गुंडागर्दी की ना तो सीधा मुझे फोन कर देना। अरे देखो ना बहन जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तुम्हारे पति का नाम क्या है बेटी? करण। क्या बहन, ए जी बोलो ना, नाम क्यों ले रही हो? लगता है प्यार कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरा शाहरुख खान है। ए नाटी, मेरा नाम करण है, शाहरुख खान क्यों कर रही हो? तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है बेटा? उमा। तुम भी इसे प्यार से एक नाम दे दो ना। विद्या बालन। ए, वो डर्टी पिक्चर की हीरोइन है। ऐश्वर्या का नाम दो ना, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या बोलना, अच्छी लगती है। नहीं नहीं, करते वो शादीशुदा हो गया। अरे ऐसे नहीं हुआ यार, झूठ पे झूठ लाद कर उस पे एक और झूठ चढ़ाकर उसे एक नया रूप देकर करण की शादी कराने के लिए मुझे बहुत सारे झूठ का सहारा लेना पड़ा यार। अरे ये कौन है भाई? ए, तो,
ये क्या है यार, आप लोग स्वीट लेकर आए, दो बैग लगाने के बाद दो चार चिकन लेग मिल जाते तो मजा आ जाता। ये सब मजा करके रह कर दिया। अच्छा वो लड़की कौन सी जाति की है पता है? अरे ये तो मैंने पूछा ही नहीं। अरे कौन सी जाति की है, कौन सी गांव की है, मैंने पूछा ही नहीं यार, छोड़ना यार। पूरा पलंग हिल रहा है यार। अरे यार पहली बार टेकअप करने जा रहे हैं, पलंग इस तरह हिलेगा तभी तो मजा आएगा यार। भाई कटिंग पेपर सब जगह लगा, चल चल लगा। अरे यार मुझे ये बता, करण की जिंदगी में पहले कोई लड़की थी क्या? देख करण बदनाम गली से गुजरा जरूर होगा लेकिन उसका कैरेक्टर बिल्कुल नहीं मानता जा। गारंटी है। कितना टाइम लगाते हो यार, जल्दी चिपका, वो आता ही होगा। अरे भाई चिपका तो रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। तुझे क्या करने के लिए बोला, क्या कर रहा है? सुबह काम करने के लिए बोल तो मिड नाइट तक नहीं करता है। चल जा जल्दी कर, जल्दी चल, चल जाना। भाई ये सब क्या यार? अरे मैंने पहले ही कहा था कोई अच्छे से होटल में रूम बुक क्यों नहीं कर लेता यार। ये क्या कर रहा है यार, मैंने तेरे रूम को कितना अच्छे से सजाया है। ये ले यार, कैसी भी तेरी, रिबन भी तेरा, रिबन काट के उद्घाटन कर दे आज। बहुत ही बेहुदा है तू, ये क्या है? पहली रात है ना तो सब कुछ चलता है, जगह थोड़ी छोटी है, इसलिए आई एम सॉरी। आज की रात अपना शो हिट कर दे। अबे तूने कितने शो हिट किए? अरे प्यारे ये तो बचपन से बाल ब्रह्मचारी है, ये क्या करेगा रंगरेलिया? बाथरूम में थोड़ी सी जगह मिल जाए वहीं शुरू हो जाता है। क्या तू मेरा मुकाबला करेगा क्या? देखेंगे। ओहो ठीक है, जाओ जाओ। मेरे यार करण, आज की रात तुझे जंग के मैदान में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। जा मेरे दोस्त, जा। ठीक है मेरे बाप, तू जा। सब लोग निकलो यहाँ से, जा। आज जाता हूँ, जाता हूँ। करण ये तेरी फर्स्ट नाइट के लिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। ऐश कर, क्या तोहफा दिया तूने, वाह बहुत बढ़िया। अच्छा सुन, ये ले एक मिनट रुक। आप ही तो मेरी तकलीफ समझ सकते हैं भाई। हाँ हाँ हाँ, ये ले ये ले। थैंक यू भाई। अच्छा तो बताइए, पहले तो बताओ तुम ठीक हो ना? और आप? मैं ठीक हूँ। आप क्या करें? बहुत अच्छा गाना है। पुराना है? हाँ मैंने सोचा कोई नया गाना है। नहीं नहीं वो अच्छा मेरी साड़ी कैसी लगी? दादी ने दी है, उन्होंने तीन साड़ियाँ दी है, एक शादी के लिए, एक रिसेप्शन के लिए और एक फर्स्ट नाइट के लिए। हर कोई अपने बच्चों को सब देते ही हैं। तो फर्स्ट नाइट के लिए सब साड़ियाँ दी हैं। वो तो तुम कितने बजे सोती हो? क्यों, उस रात को भी आपने यही सवाल किया था। हाँ उस रात की बात याद आ रही मुझे। तो ये बताओ उस रात को क्या हुआ था? मैं नहीं बताऊंगी। प्लीज बताओ ना। मैं उस रात, आप कितनी शरारती हैं। एप्पल काट के दो। शायद तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, दोपहर को भी तुमने ठीक से कुछ खाया नहीं था और वेज पुलाव भी कुछ खास बना नहीं था, है ना? ये लो। खिलाओगे नहीं? एक बार और खा लो। ए, ये तुम्हारे गाल पे जो तिल है ना, एक दो और तीन, ये वाला जो तिल है ना ये मेरे नाम का है, करण नाम का है। मैं आपको इस नाम से नहीं बुलाऊंगी। अच्छा नहीं है क्या? नहीं। क्या आवाज कैसी? घर में चूहे हैं क्या? चूहे? हाँ चीची, हमारे घर में शेर है, शेर। सच में यार? ये यहाँ पर क्या रखा है? आपने कहा था आप ये सब छोड़ चुके हैं? अब ये क्या सब है? ये सब जिनके का काम है, मैंने से कहा था बाहर फेंक दे, लेकिन कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही कर लूंगी। ठीक है तुम्हें जो भी ले जाकर फेंकना फेंक दो, लेकिन इसे छोड़कर। क्यों, ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? एक दिन कुछ लोग मेरा मर्डर करने के लिए आए थे, आंख में धूल झोंक कर चारों तरफ से हमला कर दिया। उस वक्त मेरे हाथ यही लगी थी, अगर ये नहीं होती तो मेरी सांस बंद हो जाती और मैं हो जाता। देखो इसने मेरी जान बचाई है, ये मेरे लिए बहुत लकी है। ए उमा क्या हुआ? देखो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, तुम भी इसे हाथ से छुओ ना, छू कर देखो ना। हाँ घबराओ मत, देखो ना मैं हूं ना।
ತುಂಬಾ ಬೇರ್ತೀನಲ್ಲ. ನೀ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆನಂದ ತಗೊಳ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಯಾರು ಅಂಗ್ ಕರಿಯಲ್ಲ. ಆನಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದೇ ತರ ಕರಿತೇನೆ. ಆನಂದ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಚಿಚಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಕರಿಬೇಡ ನೀನು. ಯಾಕೆ? ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಯೋದು? ಅದೊಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕರೆಯೋದು? ಆನಂದ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಟಿಪುಡಿ, ಬನ್ನಿ ಕಟ್ಕಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಕಪ್ಪ, ಈ ಕೋರ್ಟು ಈ ಪೊಲೀಸು ಹೊಡೆದಾಟ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗು. ಪಹಲೆ ತುಮ್ ಠೀಕ್ चिल्लाने की क्या जरूरत है? चल खाना खाना, अब आप जाइए, इन्हें पैसा दे दो. ठीक है सर. मंजा, अरे करण, मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई. तुम पुलिस से बात कर लो, अगर जरूरत पड़े तो इसे गिरवी रखकर उसे छुड़ा कर ले आओ. नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, उसे वहीं रहने दो. उसे अगर आज छुड़ाए ना तो उसे अपराध करने की आदत पड़ जाएगी और फिर उसे पुलिस वापस ले जाएगी. अगर वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, तो वो अपने आप छूट कर चला आएगा. तुम एक बार बात तो कर लेते. अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा. देखो मेरी बात समझो, अब तुम घर जाओ. ठीक है. वो तुम्हारा दोस्त है ना, मुझे लगता है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए. देखो अगर फिर से मैंने वही किया तो मैं पुराने रास्ते पर वापस चला जाऊंगा. मैं वो नहीं करना चाहता. फालतू का सिर दर्द क्यों पालूं मैं? हेलो, मारा गया यार. किसने किया? किया किसने? गोपी ने और उसके साथियों ने मिलकर के. शंकर ने अपना गेम शुरू कर दिया है. इस इलाके में कोई नया एसीपी आया है, सारे पुराने फंटर लोगों की फाइल खोल रहा है. सुना है उसमें तुम्हारा भी नाम है. तू जरा संभल के रहना, बुलाए तो जाना. ये देख चारों तरफ पुलिस वाले हैं. तो
मैं पांडे हूँ सर। मैं गुलाब सर। सर मैं नंदा हूँ, रियल एस्टेट एजेंट हूँ सर। मेरा नाम बाला है सर। पीटर सर। क्या काम करते हो? गुंडागर्दी छोड़कर डांस सिखाता हूँ सर। डांस सिखाते हो? यस सर। चलो करके दिखाओ सर। यहाँ चलो करो। तो तू ये सिखाता है? सर मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे और मेरी बीवी भी मर गई सर। तुझे तो खुश होना चाहिए, रो क्यों रहा है? चल जा। मेरा नाम मुस्ताक है सर। जाने दो इसे, चलो जाओ। तो जगू उस्ताद है ना? नहीं सर, मेरा नाम कुमकुम स्वामी। कुमकुम स्वामी? जी हाँ साहब। ये तेरा कौन सा अवतार है? मेरे ऊपर देवी आती हैं, इसीलिए लोगों ने मुझे ये कपड़ा पहनाकर स्वामी बना दिया सर। अच्छा, तुम्हारे ऊपर देवी आती हैं? जी हाँ साहब। धोखेबाज कमीने रेपिस्ट के औलाद, अब भीड़ जमा कर, वहीं आगे खाल खींच लूंगा। मेरा आशीर्वाद आप। चल जा यहाँ से, नहीं तो जान से मार दूंगा। सर ये उसका साला है, वीरा नाम है उसका। इधर ए, तू पीछे रह। दूर रह, बदबू आ रही है, दूर रह। छी माधव। यस सर। इसको बोल, इसे मार ले। ए, ये मार ले। ए, जिंके इतना घबरा क्यों रहा यार? हमें बुलाए ही तो है बस, जरा आराम से खड़ा रहना। अरे यार यहाँ खड़े खड़े थक गए हैं यार, थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना यार। अब तुम जाओ। जाओ। ओके आई विल कॉल यू लेटर। तुम क्या काम करते हो? सर फिल्म लाइन में काम करता हूँ, प्रोडक्शन में सर, सूर्या प्रोडक्शन में, और भी प्रोडक्शन है हाउस में सर। अरे मैं देख रहा हूँ ना सर, प्रोडक्शन के साथ साथ लोगों को फ्री में दवाई भी देता हूँ सर। तुम लोगों को फ्री में दवाई देते हो? हाँ सर। तुम डॉक्टर के आवाज हो? शर्ट बाहर निकाल। सर यस सर सर सर। तेरा नाम जिंके है ना? जी सर। जरा कूद के दिखाओ। कूद नहीं सकता सर, मेरे पैर की नस कटी है। दौड़ के दिखा सर। दौड़ जो कहा वो कर। जी सर। आना। गिरा तो संभाल लेना है। आना। जी सर। ये ए, तू अपना नाम बदल ले। अच्छा सुन, तेरे साथ तो बहुत सारे फंडर थे ना? बहुतों का मर्डर हो गया, जो बचे हैं वो आए हैं सर। करण भी आया है क्या? वो भी आया सर। वो इधर ही है सर। अरे आओ भाई, तुमसे बात करनी है, आओ आओ। मैं कार ले लूं सर। ए, आना। नमस्ते सर। करण उर्फ गुटकापुरी, पुराना मशहूर फंटर, डॉन बनने का कोई चांस ही नहीं है। सुना है तुम सुधर गए हो, वो सब तो अपनी जगह पे ठीक है, पेट भरने के लिए क्या करते हो? रेणुका जी के काम करता हूँ सर। तुम्हारा घर कहाँ है? चमनपुरी में सर। शादी हो गई है? जी हो गई। और कोई एक्टिविटीज? नहीं सर। नमस्ते सर। आइए। नमस्ते। बैठिए सर। कहिए कैसा है यहाँ का माहौल? धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है सर। नए पंटर हो या पुराने, किसी को मत छोड़ना, पूरे शहर को क्लीन कर देना। करणपुरी सुनो मणि, ये करणपुरी है, बहुत अच्छा लड़का है, सब कुछ छोड़ चुका है। और हाँ, हाँ ये डॉलर कॉलोनी के अंदर 60-40 के सौदे में एक घर हाथ लगा है जिसके बहुत सारे राज हैं। हाँ क्या है? मैं जाऊं सर? जाओ। हाँ, हाँ यहाँ से निपटने के बाद ये नया एसीपी अपने आप को समझता क्या है? किसी को इज्जत देने नहीं जानता, ऐसा हमने क्या कर दिया? हाँ तू तो महात्मा है, तुझसे गलती हो ही नहीं सकती, सब सैल्यूट करें तुझे। अरे छोड़ ना यार, चल यहाँ से चल। मैं फिर से शुरू हो जाऊँ क्या? ये सारे एसीपी डीसीपी अपने बाथरूम में छुप कर बैठेंगे? अरे यार सब कुछ ठीक चल रहा है ना, जो हुआ उसे भूल जाना। चल। ओ छोटे जल्दी आ जा, भूख लगी यार, चल के खाना खाएंगे। आप बहुत अच्छी मालिश करते हैं। और क्या क्या काम आता है आपको? हेलो हेलो, कौन है? हेलो, ये गुटकापुरी का घर है ना? पर जरा एक मिनट रुको, यहाँ पर क्यों आई हो? क्यों नहीं आ सकती क्या? जब आप मेरे यहाँ आ सकते हैं तो फिर मैं आपके घर क्यों नहीं आ सकती? वो ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ अचानक कैसे? उस दिन आपने मुझे उस गंदी जगह से बाहर निकाला ना, अब मेरी जिंदगी सुपर हो गई है, अब मैं टॉकिंग डांसर बन गई हूँ और ये अवार्ड जीता है रियलिटी शो में, अच्छा है ना? ठीक है। जयश्री ये मेरी वाइफ है, उमा नाम है। आप पहले से शादीशुदा हो? दीदी बहुत क्यूट है, मुझे दीदी मत कहो। कौन है ये? इसका नाम जयश्री है।
मेरी पहचान वाली है। चाय कॉफी कुछ पियोगे? आप शादीशुदा हो ये पता चलने के बाद तो मुझे जहर पीने का मन कर रहा है। वैसे अगर तुम दीदी को डिवोर्स दे दो तो मैं उनसे शादी कर लूंगी। सोचूंगा, तुम्हें जल्दी जाना है ना? Don't be so rude. Okay, एक फोटो तो खींच सकते हैं प्लीज? एक फोटो क्लिक कर दीजिए। कैमरा यहाँ है, वहाँ खड़ी हो जाओ। ओके। चिपको मत। स्माइल प्लीज। थैंक यू। अब ठीक है, अब तुम जाओ। ओके, मैं आपसे मिलने के लिए आ सकती। देखो, वो सब बाद में बात करेंगे, अब तुम जाओ। दीदी अब कितनी क्यूट हो, अपने पति को ऐसी जगह में जाने मत दीजिए, जरा कंट्रोल रखिए। ओके ना? जयश्री, तुम्हें देर हो रही होगी ना? आओ आओ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बाहर। आ जाओ। मुझे बात भी नहीं करने दे रहे आप। ओह, मर गए। इसे हाथ में क्यों ले रखा है? पहले ये बताइए वो कौन थी? बताता हूँ, लेकिन जरा इसे तो नीचे करो। वो मेरा दोस्त काली है ना, वो मुझे वहाँ ले गया था, वहीं मिली थी। कहाँ पर? अरे वहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही रहती हैं, आदमी कोई नहीं रहता। वो एक तरह से गलत जगह है। मुझे पता है, पर आप वहाँ क्यों गए थे? मैं सिर्फ गया था, वहाँ किया कुछ भी नहीं। आपकी बात पर विश्वास कर लूँ मैं। हाँ। मैंने गुंडागर्दी छोड़ दी है, मैं सुधर गया हूँ, तो फिर अब ये सब क्या है? उमा, तुम गलत समझ रही हो, वो छोटी लड़की है, अच्छी डांसर है। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। देखो, तुम्हें मानना तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी, पहले आपको जान से मारूंगी और फिर। क्या कर रही हो तुम? उमा उमा, तुम पागल? उमा क्या कर रही हो? अरे मार डालोगी क्या तुम? पागल हो गई तुम? मैं नहीं छोड़ूंगी, पहले आपको जान से मारूंगी। ए उमा, ये बहुत लंबी है और धारदार भी है। आज तो मैं गया था काम से, एक शादी करने के बाद ये हाल है, दो कर लूंगा तो पता नहीं क्या होगा। चल, फिर कभी देख लेंगे। चल निकल ले, रिक्शा चल। क्यों, पुराना शेर शाकाहारी बन गया ये प्रूफ करने आए हो? शर्ट का बटन लगाओ। मैंने बहुत सुना तेरे अच्छे चरित्र के बारे में। अच्छा, वो लोग तुझ पर अटैक क्यों किए थे? सर, वो क्रिमिनल लोग हैं, मैंने उन्हें पकड़वाया था। इसके अलावा कोई दुश्मनी नहीं है। उस वक्त यहाँ के एसीपी सत्यमूर्ति जी थे, उन्होंने मेरा बहुत। सत्यमूर्ति जी तुम्हारे बहुत क्लोज हैं क्या? तुम एक समाज सेवक हो, एक तरह के खबरी, गुंडागर्दी छोड़कर पुलिस का तुम काम करने लगे हो। तुम पहले भी ऐसे ही थे क्या? कोई भी अटैक करे तो पुलिस स्टेशन में आना और कंप्लेन करना। नहीं सर, जिंदा रहा तो कंप्लेन करूंगा ना, जिंदा रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब मैं नहीं चाहता मेरे हाथों उनका कोई नुकसान हो जाए, और इसीलिए मैं यहां आपके पास कंप्लेन लिखवाने आया हूं सर। अच्छा, ठीक है, जाओ। सर, कंप्लेन? सर, एसीपी साहब। नमस्ते सर, यहां पर करणपुरी आया था, कह रहा था उसकी जान को खतरा है, कंप्लेन लिखा के गया है। कहीं आपके लड़कों ने तो उस पर हमला नहीं किया? सोच लीजिए सर, इलेक्शन का वक्त है, इस वक्त ये ठीक नहीं। मेरे आदमियों ने हमला नहीं किया है, करण के घर पर रेड डालो। ठीक है सर। उमा, मैं हूँ, अंदर आ जाओ। चलो। इस शहर में नहीं हो क्या? पेट में कुछ महसूस होता है? बोल शाम, क्या बात है? तू कहाँ है करण? मैं अस्पताल में हूँ, बोलना। सुना है काली को उठाने का किसी ने प्लान बनाया है। काली इस वक्त कहाँ है? मैं उसे लॉयर ऑफिस छोड़ के तुझे फोन करने बाहर आया हूँ।
नेटवर्क नहीं है। खैर छोड़ो, मैं पूछ के बताता हूँ, टेंशन नहीं है। हेलो, खत्म कर दो। कांग्रेस उमा, तुम मां बनने वाली हो। कितनी देर लगाता है? ठीक है, चल जाना। वो करणपुरी कोयता लेकर बाजार में सबका दौड़ा रहा है, पता नहीं उसके साथ आज क्या हुआ। अरे तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर आजा, चल गाड़ी में बैठ। उन लोगों ने मुझ पर हमला किया था, इसलिए मुझे तेजस्वी सर उसे उतारो। नीचे उतर, बोला नीचे उतर। ए, ये इसे दे। पकड़ना, अबे पकड़। चल इधर आ। अरे तुझे बच्चा होने वाला है तो ये क्यों खा रही है? क्या हुआ बेटी? मुझे बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। बेटी क्या हुआ बेटा? है क्या कोई? बहन इधर आओ।
करण कहाँ है बताओ? मुझे नहीं पता, वो जैसे ही आएंगे मैं आपके पास। ये क्या मैडम, घर पे इस तरह के हथियार क्यों रखते हो? चलो पुलिस स्टेशन चलो। शंकर को नहीं छोड़ूंगा, इलेक्शन के बाद देखना मैं क्या करता हूं। बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाना। हाँ, एसीपी इतना पागल नहीं है, वो मुझे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जा सकता था, वो मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गया? वो भी जानता है कि मैं गलत नहीं हूँ। नहीं यार, मैं उसे मारूंगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं उसे। उसे मारकर तुझे क्या मिलेगा? हाँ, तू भी तो इलेक्शन में खड़ा है, ये मत भूल। पानी की बोतल है गाड़ी में? सुन, गाड़ी साइड में ले, मुझे कपड़े बदलने। हेलो, कौन बोल रहा है? उमा। उमा कहाँ है? ये पुलिस स्टेशन है भैया। पुलिस स्टेशन? नाम क्या है बता? कावेरी। और तेरा? उमा। वो आ गए क्या? हाँ सर, नमस्कार सर। हम लोग करण की वाइफ को छुड़ाने आए हैं सर। किस करन की? हाँ, करणपुरी। हाँ, अरे बहुत फ्रेश हो के आए हो, इतनी जल्दी अपना गेटअप बदल लिए, किसी से मिलने आए हो? हाँ, इसकी बीवी को यहाँ लाए हो क्या? करणपुरी के घर में हमने सर्च किया तो हमें कोयता मिला सर। काली, गुंडों के घर में हथियार नहीं तो क्या बांसुरी मिलेगी? इसकी वाइफ को यहाँ क्यों लेकर आए? सर, कुछ आवारा लड़कियों को यहाँ अरेस्ट करके लाया तो उनके साथ ये औरत भी हमें मिल गई सर। करणपुरी की बीवी तुम्हें धंधे वाली लगती है? माधव जी, जी सर, शरीफ बच्ची को छोड़ दो। ठीक है सर। चुप हो जाओ। उमा, उमा क्या हुआ? हाँ, उमा ये लो, पानी पी लो, पी लो। नारियल पानी, नारियल पानी। क्या हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं तुम्हें? तुम गिर जाओगी उमा, बैठ जाओ। उमा ये लो, नारियल पानी पी लो। उमा पी लो इसे। उमा ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा? उमा, उमा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रही हो? चलो उससे पूछ लो। देखो उमा, यहाँ सड़क पर तमाशा मत करो, घर चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं। मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें बीवी बच्चों की क्या जरूरत है? जाओ, जाकर गुंडागर्दी करो, जाओ। उमा देखो, अगर मैं वहां नहीं जाता तो वो लोग काली को मार देते। मैं वहां किसी को मारने नहीं गया था उमा, काली मेरा दोस्त है। आज लड़ाई की है, कल किसी का खून नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी है? नहीं उमा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मेरी ही गलती थी जो तुमसे शादी की, मत्ती मारी गई थी। नहीं, समझ नहीं पाई, मैंने अपने बच्चे को खो दिया तुम्हारी वजह से। उमा चलो उठो, चलो घर चले। उमा चलो घर चले। मुझसे नाराज हो ना उमा, मैंने जिंदगी में बहुत कम खुशियां देखी हैं, सब कुछ कहना, लेकिन ये मत कहना कि तुम गुस्से में कुछ भी कर लोगी। लो। देखो, मैं जिंदगी जीना चाहता हूं, इसलिए सब कुछ छोड़ चुका हूं। मैं कसम खाता हूं दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूं, प्रॉमिस।
प्रॉमिस। आपको जिंदगी में सबसे प्यारा कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए आप ही मेरे सब कुछ है। यही वो लड़के हैं भाई। ये हैं वो, ये तो टपोरी लग रहे हैं। बहुत खतरनाक है भाई, आप जो बोलेंगे करेंगे, आपका हर कहा मानेंगे। करण क्या है यार ये, तू इनके लिए भी काम करना छोड़ देगा तो कैसे चलेगा यार। किसी और के लिए मत कर चलेगा, लेकिन इनके लिए तो तुझे करना ही होगा। इनको छोड़ देगा तो क्या महान बन जाएगा तू? जिनके मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। देख हाँ, हम सब समझते हैं, तेरे अकेले के पास ही पर्सनल लाइफ और कमिटमेंट्स हैं। तू ही जीना चाहता है, हम तो जीना ही नहीं चाहते हैं ना। ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, ये करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये सब चलता है क्या हमारे धंधे में? कुछ नहीं चलता। चले काम करता हूं, मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। ए करण, मैं तो तुझे इससे ज्यादा हिम्मत वाला और जिगर वाला समझता था भाई। तुम इसके साथ रहोगे तभी ये जीत पाएगा। भाई भगवान के लिए मुझे इस मामले में मत घसीटो। अरे करण, आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? राजनीति में ये सब चलता ही रहता है, जरा समझने की कोशिश करो और मेरी हालत देखो। तुम्हें मैं अपने साथ इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरा भी स्वार्थ है। भाई अपने स्वार्थ के लिए आप मेरा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अच्छी बात है करण, मैं तेरी बात को मानकर सब कुछ भूल जाता हूँ। लेकिन तुम उस रेणुका को सपोर्ट कर रहे थे, इस बात से मुझे बहुत बड़ी जलन थी। लेकिन अब तू अपनी जिंदगी जीना चाहता है, उनका साथ नहीं दे रहा, राजनीति में तुझे आना नहीं है, तो फिर मुझे किस बात का टेंशन? कूल? देखो शंकर जी, मैं कूल ही रहूंगा, लेकिन अगर दोबारा मुझे किसी ने छेड़ा ने करणपुरे को उठा लिया भाई। ऐसा क्या? हाँ। अभी कहाँ पर हो? पुराने आउट हाउस में है भाई। ये नालायक। हाँ बोलो भाई। वो कौन है जरा खोल के देख, करणपुरी तो यहाँ शंकर जी के पास बैठकर बात कर रहा है। एक मिनट है भाई। अरे भाई हमने काली का गेम बजा दिया। ए थू भाई, अभी क्या करने का? मंजा, ए मंजा, काली और करणपुरी को हाथ मत लगाना, अपने लड़कों को फोन करके बता दो। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? पेट दुख रहा है क्या? इस तरह मुंह क्यों बना रहा है? सांप डसना छोड़ सकता है,
फुंकारना नहीं है ना। गुंडागर्दी का रास्ता छोड़कर सोचोगे कि सुकून से जी पाओगे तो जिंदा रह नहीं पाओगे। तुम वक्त बेवक्त मार दिए जाओगे। इस वक्त वो लड़के कहां पता लगाओ जिनके। क्या करण, तू फिर से वही सब शुरू करना चाहता है? करना पड़ेगा। मैं इलेक्शन में नहीं खड़ी होना चाहती। देखो मेरे लिए नहीं, रेणुका जी के लिए। पर मैं ही क्यों, आप भी तो खड़े हो सकते हैं। मेरे जैसे बैकग्राउंड वाले बहुत सारे लोग हैं राजनीति में। अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ और जीतता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करने लगेंगे। ये अच्छी बात नहीं उमा। कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बहुत बदल से गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसी पुराने रास्ते पर फिर से जाना चाहते हैं? नहीं उमा, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ और ये सबको पता है, लेकिन कुछ लोगों का कर्ज चुकाना बाकी है इसलिए कह रहा हूँ। हम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं? नहीं उमा, क्या लोग ये समझे कि हम डरकर यहाँ से भाग गए? हाँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? देखो अगर हमें जिंदा रहना है तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। डब्बा बन जाओ। नहीं, खड़ी हो जा, सीधी खड़ी हो जा। पहले नमस्ते करो। हाँ? जैसे मैं करता हूँ वैसे करो। ऐसे ऐसे, जरा हंस के ऐसे। हे, ऐसे मैंने कहीं देखा है। तो वैसे ही करो। हाँ हाँ, टर्न करो। हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। हाँ ये अब लो, क्या है? इसे माइक समझो, ठीक से पकड़ो। अब बोलो, बोलो क्या बात करूँ मैं? अब जो मैं कहता हूँ वही कहो। चलो इसे पकड़ो, कहो। बोलो, मैं तुम्हारे घर की बेटी हूँ। घर की बेटी हूँ? अरे उमा बोलो। बोलती हूँ, मैं आपके घर की बेटी हूँ। आप सब लोगों को नमस्कार, मैं आपके घर की बेटी हूँ। गरीबी क्या होती है मैं ये जानती हूँ। आप अपना वोट मुझे दीजिए। मैं गरीबों को नहीं होगा। अरे बहुत सिंपल है यार, जरा ट्राई करो ना।
का एनकाउंटर करने के लिए किसने कहा? सर ये लोग मुझ पर अटैक। किसने परमिशन दिया था? सेल्फ डिफेंस था सर। अरे मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। बड़ी हमारे मंजा को दो चार दिन अपने लॉकअप में रखोगे क्या? चिंता मत करो सर, उसे लॉकअप में रख लूंगा। वो क्या है ना, इसको डर है कि कोई इसका एनकाउंटर न कर दे। उसका कौन एनकाउंटर करेगा सर। शंकर जी ने सुपारी दी थी, गलती से तुम्हें समझकर काली को उठा लिया और गेम बजा दिया। ए मंजा, तूने नमक हरामी का काम किया बे। ए शेनो, इन दोनों को ले ले सालों को। चल ए करके रुक जा, मेरी बात सुन। ए मारे तो लगा दे। अरे क्या कर रहा है? मुझे क्यों मार रहा है? नहीं, अरे मैंने तो तेरी मदद की ना। अरे छोड़ दे, मेरे को क्यों मार रहा है? नहीं करण, नहीं नहीं करण, माफ कर दे। नहीं हेलो, कैसे याद किया करणपुरी? तुम अपनी जुबान से फिर गए शंकर। कहना क्या चाहते हो तुम? मुझे और काली को उठाने के लिए सुपारी तुमने दी थी। मेरी माँ की कसम, झूठ है ये। मंजा और उसके लड़के लोगों का किया हुआ काम है ये। मैं खुद ही उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। नहीं छोड़ूंगा उन्हें, सबका एनकाउंटर करवा दूंगा। नहीं शंकर, मुझे वो लड़के चाहिए। ऐसा है तो फिर ठीक है, उन लड़कों को मैं ही बुलवा लेता हूँ, तुम ही खत्म कर देना। वैसे भी उन पर रोने वाला कौन है? बड़ा केस होगा, यह सोचकर घबराने की जरूरत नहीं है। ताकत है तो कोई कुछ भी कर सकता है ना। वो आज उसके पास है, कल मेरे पास हो सकती है। जरा सोच के देख, जीना है या मरना है। ए लड़के लोग, चलो आओ खाना खाओ। ए मंजा, सुना क्या? सुपारी मैंने दी है ऐसा किसी ने करणपुरी को बता दिया है। तेरे बारे में पूछ रहा था वो। मैंने कहा हूँ उसे, बड़ी बड़ी बातें सुनाकर उसका मुंह बंद करा दिया मैंने। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से उसे सौंप दूंगा क्या? हाँ, मुझ पर भरोसा है ना? हाँ है ना भाई। इस फील्ड में अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो उसे किसी बड़े गुंडे को मारकर गिराना पड़ेगा। तो जाओ खत्म कर दो करणपुरी को। बस खाली दो चार किसी की नजरों में मत आना। मेरे पुराने वाले आउट हाउस में सब लोग जाकर रहना। हाँ, बड़ा सयाना बनता है वो, अब पता चलेगा उसे। मंजा, करणपुरी को हम लोग भूल जाते हैं। चुनाव के परिणाम आने से पहले अद्भुत तरीके से शंकर जी का खून होने के बाद श्रीमती उमा उम्मीदवार के तौर पर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और खबरों के अनुसार श्रीमती उमा करणपुरी भारी बहुमत से विजयी हुई हैं। ठीक है मेरे यार, पियो। जी भर के पियो। ए, मैं बेंगलोर का डॉन बनना चाहता हूँ। जो भी आएगा उसे ठोक डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा मैं। याद रखना, सबको मार डालूंगा। ए, इसे नीचे कर, नीचे कर। The boy.
ಸರಿ ಕಣ, ನೀ ಹೇಳದನ್ನ ತಂದಿ ರಾಯೋ ಖಾನೆ ಮೇ ಮಿಲಾ ದೋ ಕ್ಯಾ? ಖಾನೆ ಮೇ ಮತ್ ಮಿಲಾ, ವೋ ಲೋಗ್ ಜೋ ಪೀ ರಹೇ ಹೈ ಉಸಿ ಮೇ ಮಿಲಾ ದೇ. ವೋ ಲೋಗ್ ಔರ್ ನಹೀ ಪೀನೆ ವಾಲೆ ಹೈ. ಅಗರ್ ಉನ್ಕೆ ಕಿಸ್ಮತ್ ಹಿ ವೈಸಿ ಹೈ ತೋ ಫಿರ್ ಕ್ಯಾ ಕರೇ ಹೈ? मैं संडूर जा रहा हूँ, कल आके मिलता हूँ. मैं हूँ ना, तो संभालेगा ना. जिंके विस्की चाहिए, विस्की मंगाना यार. विस्की और चाहिए पीने के लिए? चाहिए, मिल जाएगी. कंगो मेरे जो चाहिए दो. आ रही आ रही. हमदर्दों और दुश्मनों को एक साथ मिलाकर तुमने अपना पुराना धंधा फिर से शुरू कर दिया है, ऐसी मुझे खबर मिली है. सारे लोगों का दिल एक जैसा नहीं होता सर, ये मैं समझ चुका हूँ. इसलिए सुना है तुमने अपनी बीवी को भी चुनाव में खड़ा किया? हाँ, रेणुका जी के कर्ज को थोड़ा बहुत चुकाने की कोशिश की. कर्ज? एक रावड़ी तो चुनाव जीत नहीं सकता, इसलिए तुमने अपनी बीवी को खड़ा किया? ये तो नहीं पता सर, लेकिन कल तक मैं जिंदा रहने की कोशिश करता रहा और आज भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूं सर. आखिर इंसान जिंदा कैसे रहता है और इंसान जिंदगी कैसे जीता है, इस बात को तुम अच्छी तरह समझ चुके हो. सर एक मिनट. श्योर. हेलो, पुलिस वाले आ गए हैं, पूछताछ कर रहे हैं. फिकर मत कर, और उसके बाद यहाँ पे लुढ़क के सब ठीक हो जाएगा. फोन किया, कैसे किया कुछ पता नहीं. फूड पॉइजनिंग हो गई है, बाद में फोन करता हूँ. क्या बात है? इलेक्शन जीतने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी दी थी सर. फूड पॉइजन से काफी लोग मर गए हैं. हमदर्द कौन है और दुश्मन कौन है ये अभी तक पता नहीं चला. तू तो बड़ा मासूम राक्षस बन गया है रे. किल वन एंड यू आर ए क्रिमिनल, किल ए मिलियन एंड यू आर ए कॉन्करर. एक को मारोगे तो खूनी कहलाओगे और 10 लाख को मारोगे तो विजयी कहलाओगे. पता नहीं तुम क्या बनना चाहते हो. पता नहीं सर, राउडिज्म कैंसर की तरह है सर. मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया है, कुछ लोगों को परमानेंटली और कुछ लोगों को टेम्परेरी. लेकिन कब तक? जब तक ये बीमारी. एक न एक दिन तुम इस समाज के बड़े आदमी बन जाओगे. कोऑपरेटिव बैंक्स, शुगर मिल्स, कॉरपोरेट बिजनेस, विदेशी बैंक अकाउंट्स. अब तुम्हारी जिंदगी के चरित्र के बारे में कोई नहीं पूछेगा, तुम समाज के स्तंभ बन जाओगे. बेटे, तू इस वक्त करणपुरी की फील्ड में आ गया है. तुझे अभी खुजली सतीश का खून का कर चुकाना है. तेरे बाप के बाद उसने तेरे चाचा को मारा. अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपनी बीवी को उसने चुनाव में जिताया. उसे मारना इतना आसान नहीं है. तेरे बाप को करणपुरी नहीं मारा. उमा, तुम्हारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, तुम जो चाहो कर सकती हो. मैं एक गुंडा हूं, मेरा एनकाउंटर करने के लिए वो तुमसे परमिशन मांगेंगे तो तुम क्या करोगी? परमिशन दे दूंगी. तुम बहुत बदल गई हो. उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो. मैं चलती हूं. ए इधर आ, इधर आ, आ जा. हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा. ए करा. हाँ, क्या हुआ? ये कह रहा है इसका कोई नहीं है, गाड़ी साफ करके गुजारा कर लेगा, रख लो क्या? हाँ हाँ जरूर रख लो. हाँ. और जिनके तुम्हें साथ आओ जरा. जाओ बेटा, जाके काम करो.